हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गीगर मुलर काउंटर के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग गीगर मुलर काउंटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में आपको समझाऊंगा, साथ ही साथ मैं इसके नोट्स को बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आपको दिखाऊंगा और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा और इसमें कमियां क्या है उसको भी मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, आपके डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीएम काउंटर जो होता है, गीगर मुलर काउंटर जो होता है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीएम काउंटर कह सकते हैं। गीगर मुलर काउंटर का काम क्या है? तो गीगर मुलर यानी जीएम काउंटर का काम यह है कि आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेस को डिटेक्ट करता है और मेजर करता है। ये काम है गीगर मुलर काउंटर का। गीगर एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले उन्होंने इस काउंटर को दिया था। उसके बाद मुलर इन्हीं के एक पीएचडी स्टूडेंट थे, उन्होंने इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया, इसीलिए हम लोग इसको गीगर मुलर काउंटर कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम लोग सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे कि कैसे ये डिटेक्ट करता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो डिटेक्टर है, गीगर मुलर काउंटर एक डिटेक्टर है, किसको डिटेक्ट करता है? आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेस को। ये एक गैस बेस्ड डिटेक्टर है, यानी कि गैस बेस्ड डिटेक्टर, इसको आप ध्यान में रखना। अब चलिए सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पर क्या होता है कि एक मेटेलिक सिलेंडर होता है, इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं। इस मेटालिक सिलेंडर में नोबल गैस फिल्ड होती है लो प्रेशर में, नोबल गैस जिसको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। अब नोबल गैस यानी इनर्ट गैस क्या होते हैं? जैसे कि हीलियम, जैसे कि नियॉन, जैसे कि ऑर्गन, ये हमारे 18th ग्रुप के एलिमेंट हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर नोबल गैस फिल्ड होती है लो प्रेशर में। फिर उसके सिलेंडर के जो बीच में एक एक्सिस होता है, सेंट्रल एक्सिस, वहां से एक पतली सी वायर लगी होती है जिसको हम लोग एनोड कह सकते हैं। और यहाँ पे जो मेटल का यानी कि सिलेंडर का जो बाहरी भाग है उसको हम कैथोड मानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव, इस तरीके से हम इसको एक हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टर लगा हुआ है। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन। आपको मैं पहले इसके बेसिक कंस्ट्रक्शन और बेसिक वर्किंग यानी मैं इसकी पहले वर्किंग को आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें गलती क्या थी, फिर इम्प्रूवमेंट क्या किया गया है, फिर मैं आपको वो बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन समझा, नोबल गैस होती है फील्ड किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर। बीच में एक वायर होती है, मेटालिक वायर, जिसको आप एनोड कहेंगे। यहाँ पे एक कैथोड है, बाहरी शेल से जो लगा हुआ है वो क्या है? कैथोड है। और यहाँ पे एक हाई वोल्टेज की बैटरी, कितना वोल्टेज देंगे हम? 400 से 900 वोल्ट तक। यहाँ पे ये रजिस्टर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन का देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया गैस बेस्ड डिटेक्टर है, ट्यूब जो होगा वो सिलेंडर के फॉर्म होगा, एक ट्यूब होगा जो कि नोबल गैस जिसमें फिल होगा लो प्रेशर पे, मेटालिक स्ट्रिंग होगी बीच में, थ्रू द सेंट्रल एक्सिस शेप एनोड होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कैथोड होगा। फिर यहाँ पे एक जो एंड होगा वो माइक्रो विंडो होगा जिससे रेडिएशन एंटर करेंगे। रेडिएशन क्या करेंगे? एंटर करेंगे आयनाइजिंग रेडिएशन, उसी को डिटेक्ट करना है आपको। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, इन्हीं को तो डिटेक्ट करना है। तो वहां से आपके रेडिएशन जो होगी वो एंटर करेगी। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके वर्किंग को समझते हैं। तो इसका वर्किंग, जीएम काउंटर का वर्किंग कैसा समझेंगे हम? तो जीएम काउंटर का वर्किंग यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे माइका विंडो से, जो कि हमारे आयनाइजिंग रेडिएशन को अलाउ करता है, एंटर करेगा तो क्या होगा? जैसे ये एंटर करेगा, ये नोबल गैस को क्या करेगा? आयनाइज्ड बना देगा। जब ये इससे टकराएगा नोबल गैस से, आयनाइजिंग रेडिएशन, तो क्या करेगा? नोबल गैस को आयनाइज बनाएगा। कैसे? नोबल गैस मान लीजिए इसके अंदर नियॉन फील्ड है। क्या फील्ड है? नियॉन। तो ये क्या करेगा? नियॉन के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, जिससे क्या होगा? नियॉन पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो निगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव होते हैं, आपको पता चल गया यहाँ पे। तो ये क्या करेगा? आयनाइज कर देगा हमारे गैस को, जो फील्ड है इसके अंदर, जिससे एक पॉजिटिव आयन और एक हमारा इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव क्रिएट होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। अब आपको मालूम है यहाँ पे ये काम हो गया, तो एक एनोड है और एक क्या है? कैथोड है। आपको मालूम है एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो पॉजिटिव आयन होगा वो कैथोड की तरफ जाएगा। लेकिन वो जाते जाते, एनोड पर जाते जाते क्या करेगा? और सारे नोबल गैस से टकराएगा और उनको भी आयनाइज कर देगा। मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, वो क्या करेगा? रास्ते में और नोबल गैस होंगे, उनसे टकराएगा। पॉजिटिव आयन निकला, रास्ते में और नोबल गैस होंगे, उनसे टकराएगा, जिससे और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन क्रिएट होंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। पहले एक क्रिएट होगा, फिर वो रास्ते में और सारे आयन से टकराएंगे, सॉरी और सारे एटम से टकराएंगे, जिससे हमें और सारे इलेक्ट्रॉन
और पॉजिटिव आयन मिलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो पॉजिटिव आयन होंगे वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे क्या होगा, हमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा एनोड पे, हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो उससे क्या होगा, उस करंट से हमें क्या मिलेगा, उस करंट से हमारा जो ये रजिस्टर है उस पर क्या होगा, वोल्टेज का चेंज होगा, वोल्टेज का चेंज होगा, तो हमें यहाँ पे सिग्नल मिलेगा कि भैया यहाँ पे रेडिएशन है, उसको डिटेक्ट कर लिया गया है, हमें यहाँ पे मीटर लगाना पड़ेगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेडिएशन है। इस तरीके से हम किसी भी रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं, एनोड पे सिग्नल मिलता है, उसी तरीके से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो हमें क्या पता चल गया कि रेडिएशन हमने डिटेक्ट कर लिया है। ये मैंने आपको इसके बेसिक वर्किंग के बारे में समझाया है। अब हम लोग आगे का काम देखेंगे और मैं बताऊंगा कि दिक्कतें क्या हो रही हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही ये काम यहाँ तक हो गया, अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लाइट होता है और आयन जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, हैवी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे यहाँ पे एनोड की तरफ, लेकिन जो हमारे कैथोड की तरफ पॉजिटिव आयन है वो थोड़ा टाइम लेते हुए आएंगे, वो थोड़ा टाइम लेते हुए आएंगे। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। इलेक्ट्रॉन तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे लेकिन पॉजिटिव आयन जो होंगे वो धीरे धीरे आएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन तो एनोड की तरफ पहुंच जाएंगे लेकिन पॉजिटिव आयन क्या होंगे, इस तरीके से इकट्ठा हो जाएंगे एनोड की तरफ, जिससे क्या होगा, इस एनोड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वीक हो जाएगा, जिससे हमें सिग्नल मिलने में दिक्कत होगी। तो इस टाइम को हम कहते हैं डेड टाइम। क्या कहते हैं, डेड टाइम। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, डेड टाइम क्या होता है, जैसे कि एनोड की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन पहुँच गए लेकिन पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, धीरे धीरे मूव करेंगे, उससे क्या होगा कि आपके जो पॉजिटिव आयन है वो एनोड की तरफ इस तरह से घिरे हुए होंगे, वहाँ आसपास पहुँचे होंगे, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन और ये निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, थोड़ा सा वीक होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के वीक होने से ये जीएम काउंटर काउंट नहीं करेगा उस दौरान, उस टाइम को हम कहते हैं डेड टाइम। अब यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेड टाइम जो होता है वो कुछ नैनो सेकेंड्स का होता है, यानी बहुत कम टाइम का होता है, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। फिर डेड टाइम के बाद जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं रिकवरी टाइम, उस पर हमारा जीएम काउंटर अच्छे से काम करता है। तो आई होप यहाँ पे आपको वर्किंग समझ में आई होगी, लेकिन अभी एक चीज़ मैं आपको और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जीएम काउंटर के बारे में, ये क्वेंचिंग क्या होता है, क्वेंचिंग क्या होता है और क्वेंचिंग एजेंट क्या होता है, ये सब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो अब यहाँ पे चलिए समझते हैं क्वेंचिंग क्या होता है और आगे का काम। तो जैसे ही आपने यहाँ इतना समझ लिया, डेड टाइम और रिकवरी टाइम समझा, अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वेंचिंग बताना चाहूँगा। अब देखिए, जैसे ये प्रोसेस हो गया, कैथोड आप धीरे धीरे पहुँच रहे हैं हमारे, सॉरी, जो पॉजिटिव आयन हमारे धीरे धीरे कैथोड की तरफ पहुंच रहे हैं अब डेड टाइम के बाद में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एनोड की तरफ है, ये आपको क्लियर होगा। तो ये जब कैथोड की तरफ पहुंचेंगे हमारे पॉजिटिव आयन जो होंगे वो कैथोड की तरफ पहुंचेंगे, तब क्या होगा, जब हमारे पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ पहुंचेंगे तो ये नॉक कर देंगे, इधर नॉक करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे, जिससे क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे। हमारे जो पॉजिटिव आयन जो होंगे कैथोड की तरफ पहुंचेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे कैथोड पे क्या करेंगे, नॉक करेंगे और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, जिससे हमारा नियॉन जो प्लस था अब इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, अब नियॉन बन गया। तो ये काम हो जाता है अब यहाँ पे। तो इससे क्या मिलता है, अब देखिए, जब नियॉन इस तरीके से नियॉन न्यूट्रल हो गया तब क्या होगा, जब ये न्यूट्रल होता है यानी इलेक्ट्रॉन जब इसमें आता है तब ये एक अल्ट्रावायलेट फोटोन को एमिट करता है। यहाँ पे ये समझिए, जब नियॉन न्यूट्रल होता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लिया, न्यूट्रल हुआ, तब ये कुछ एनर्जी यानी यूवी फोटोन को एमिट करता है। इस यूवी फोटोन से क्या होता है, ये यूवी फोटोन मेटालिक सरफेस पे स्ट्राइक करता है, जिससे क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो आपको मालूम है, फिर आयन बनेंगे, फिर वो किसी और से टकराएंगे, फिर आयन बनेंगे, फिर किसी और से टकराएंगे, फिर आयन बनेंगे, इस तरीके से लगातार आयन बनते जाएंगे, जिससे क्या हो सकता है, आपका ये जीएम ट्यूब क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, लगातार इस तरीके से होने से डैमेज हो सकता है। यानी कुछ टाइम क्या होना चाहिए, उसको थोड़ा सा डेड टाइम होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कुछ टाइम के लिए इसको थोड़ा सा क्वेंचिंग होना चाहिए। तो उसको चलिए समझते हैं। यहाँ पे आपने क्या समझा कि जैसे जैसे नियॉन प्लस वाला जो होगा वो नीचे आएगा कैथोड की तरफ, तो नियॉन बनेगा, नियॉन से फिर क्या होगा, यूवी फोटोन निकलेगा, यूवी फोटोन जो निकलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, किसी मेटल पर जब लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, इससे क्या होंगे, बहुत सारे आयन और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे, जिससे हमारा जीएम ट्यूब डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए ये काम करते हैं कि जैसे हमारा नियॉन इसमें फील्ड है, इसमें नियॉन क्या है, फील्ड है गैस, तो उसमें हम क्या करते हैं, नियॉन में
10% हैलोजन को ऐड कर देते हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं आपको बताएंगे कि वो अल्कोहल को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप जो मॉडर्न जीएम ट्यूब आ रहे हैं, मॉडर्न जीएम काउंटर जो आता है उसमें हम हैलोजन को यूज़ करेंगे, क्योंकि हैलोजन जो होता है वो बढ़िया क्वेंचिंग एजेंट होता है। अब क्वेंचिंग क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा अभी थोड़ी देर बाद, क्वेंचिंग क्या होता है मैं आपको बताऊँगा। देखिए अब यहाँ पर मैंने बताया कि नियॉन के साथ क्या ऐड करना है, हैलोजन 10%। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये लगातार जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, लगातार जो आयन बन रहे हैं उसको रोकने के लिए। तो अब समझते हैं कि अब इसको ऐड करने के बाद क्या होगा, इसको ऐड कर दिया अब आपने तब क्या होगा, जब आपने 10% हैलोजन को ऐड कर दिया नियॉन में तब क्या होगा, तब जब हमारा ये नियॉन जो होगा वो कैथोड की तरफ आएगा धीरे धीरे, तो वो हैलोजन के साथ क्या होगा, हैलोजन के साथ टकरा के न्यूट्रल हो जाएगा खुद हमारा जो नियॉन होगा। अब हैलोजन तो आपको मालूम होगा ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब तो आपको मालूम ही होगा पहले से, हैलोजन क्या होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब। तो हमारा जो नियॉन होगा जो कैथोड की तरफ, यानी नियॉन प्लस जो है कैथोड की तरफ बढ़ रहा है मान लीजिए फिर से, तो वो क्या होगा हैलोजन से मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा हैलोजन पे चार्ज आ जाएगा, तो हैलोजन क्या करेगा धीरे 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 यहाँ पे आएगा और इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और हम यूवी फोटोन को भी नहीं एमिट करेगा, जिससे क्या होगा हमारे फर्दर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नहीं निकलेंगे फालतू इलेक्ट्रॉन, जिससे हमारा जीएम काउंटर अच्छे से वर्क करेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वेंचिंग, क्या कहते हैं क्वेंचिंग, और इस प्रोसेस को एक और नाम देते हैं इंटरनल क्वेंचिंग, क्योंकि ये हम अंदर के पार्ट में कर रहे हैं बाहरी पार्ट में नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप इंटरनल क्वेंचिंग भी कहेंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा क्यों ऐड किया जाता है, कि नियॉन जो धीरे धीरे नियॉन प्लस जो कैथोड की तरफ बढ़ रहे हैं वो हैलोजन के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिससे हैलोजन पर चार्ज आ जाता है, हैलोजन फिर क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को नॉक करके न्यूट्रल हो जाएगा, इस तरीके से फर्दर यूवी फोटोन नहीं एमिट होते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। तो जीएम काउंटर का ये वर्किंग है। अब हम लोग समझेंगे जीएम काउंटर के ऑपरेटिंग प्लेटू को। तो यहाँ पे आप पहले नोट्स देख लीजिए, कुछ यहाँ पे वर्किंग के पहले यहाँ पे कुछ नोट्स देख लीजिए। द एक्साइटेड नोबल गैस एटम्स आर न्यूट्रलाइज बाई कोलिजन विद न्यूट्रल हैलोजन एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे बिकम आयनाइज। नाउ द एक्साइटेड हैलोजन डिसोसिएट एट कैथोड बीइंग न्यूट्रलाइज बाई कैप्चर ऑफ दिस प्रोसेस नोन एज क्वेंचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग समझेंगे ऑपरेटिंग प्लेटू फॉर जीएम ट्यूब। डेट टाइम तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑपरेटिंग प्लेटू फॉर जीएम ट्यूब ये क्या होता है। अब देखिए मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए जीएम ट्यूब को वर्क करने के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, मैंने आपको बताया लगभग 400 से 900 वोल्ट। तो क्या होता है कि कुछ वोल्ट हम देते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक ऐसा पर्टिकुलर वोल्टेज आता है जिस पे ये थोड़ा सा आयनाइज्ड होना शुरू कर देता है, आयनाइज्ड होना शुरू कर देता है, यानी कि जैसे जैसे हमारे ये रेडिएशन अंदर आ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, पॉजिटिव आयन बाहर आ रहे हैं, एनोड की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ आ रहा है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे ये प्रोसेस जो होगा वो फास्ट होता जाएगा, फास्ट होता जाएगा, लेकिन एक ऐसा प्रोसेस आएगा, एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस पे ये थोड़ा सा सैचुरेट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस पे सैचुरेट हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से ये है आपका काउंट रेट इधर, और यहाँ पे ये है आपका वोल्टेज। एक ऐसा प्रोसेस आएगा जिस पे सैचुरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है आपका प्रोपोर्शनल रीजन। कौन सा रीजन है प्रोपोर्शनल रीजन, ऐसा क्यों कहते हैं इसको, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका काउंटिंग हो रहा है, धीरे धीरे काउंटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, काउंटिंग इफेक्ट क्या हो रहा है बढ़ रहा है। फिर एक ऐसा वोल्टेज आता है जिसको आप नी वोल्टेज कहते हैं, वहाँ से क्या हो जाता है ये फ्लैट रीजन बनता है जिसको आप प्लेटू रीजन भी कहते हैं, प्लेटू रीजन। इस रीजन में हमारा जीएम काउंटर वर्क करता है अच्छे से, इस रीजन में हमें जितने भी डिजायर्ड रिजल्ट होते हैं वो हमें मिलते हैं इस रीजन में। इस रीजन को प्लेटू रीजन या फिर फ्लैट रीजन कहा जाता है। इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसके बीच में जो पॉइंट होता है, उस वोल्टेज को आप कहेंगे ऑपरेटिंग वोल्टेज। क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो ये है आपका प्लेटू रीजन, यहाँ पे आपका जीएम काउंटर अच्छे से वर्क करता है, और इसके पहले क्या होता है प्रोपोर्शनल रीजन। अच्छा ठीक है, अगर हम फर्दर वोल्टेज को इंक्रीज करें तब क्या होगा, तब जो होगा जीएम काउंटर का जो डिस्चार्ज होगा वो बहुत फास्ट होने लगेगा, इससे क्या होता है जीएम काउंटर का जो काउंट रेट होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसीलिए हम इसको ज़्यादातर वर्क कराते हैं प्लेटू रीजन में। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। मैं आपको इसका नोट्स दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरे की पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये देखिए आप नोट्स, यहाँ पे आपका क्या होता है नी वैल्यू उसके आगे बढ़ने पे सैचुरेटेड हो जाता है। इस रीजन को आप क्या कहेंगे जिसमें बहुत सारे प्राइमरी इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं प्लेटू रीजन में, इस फ्लैट रीजन को कहते हैं प्लेटू रीजन।
क्वेंचिंग भी आपको क्लियर होगा। ये पूरा नोट्स आप देख लीजिए ध्यान से। आई होप ये आपको जीएम काउंटर का वीडियो क्लियर होगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो